एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान तो मेहनती था, लेकिन अक्सर वह अपनी पत्नी के कामों में अक्सर कोई न कोई कमी निकलता रहता था, जिसको लेकर अक्सर किसान और उसकी पत्नी में नोकझोंक हो जाया करती थीं। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम आलसी हो गई हो, अब तो तुम धीरे धीरे और सुस्त रूप से काम करती हो, तुम अपना समय खराब करती हो और घर के कामों को लेट करती हो। रोज की ऐसी बातों को सुनकर किसान की पत्नी अपने पति के ऐसे बातों से नाराज हो गई और बोली कि आप गलत हो जो रोज रोज ऐसे मुझे ये बातें सुनाते हो, और यदि ऐसा है तो आप कल घर पर रहो और आपके बदले मैं खेत में जाऊंगी, मैं वहां आपका काम करूंगी। क्या आप यहां घर पर रहकर मेरा काम करेंगे? फिर अगले दिन किसान की पत्नी सुबह सुबह खेत पर गई और किसान घर के कामों के लिए घर पर रुक गया। फिर सबसे पहले उसने एक बर्तन लिया और गाय का दूध निकलने के लिए चला गया। फिर जब उसने गाय का दूध निकालने की कोशिश की तो इतने में गाय ने उसे पीछे से जोर से गाय की लात मिली। जोर से लात लगने से वह कराह उठा, फिर किसी तरह उसे दूध निकाला। कपड़े धोए, बर्तन धोए और घर की साफ सफाई किया, इतना करते करते उसका दम निकल गया। फिर उसने मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए चला गया। इस तरह वह सूत कातना भूल गया और फिर इन्हीं कामों को करते करते शाम हो गई। फिर शाम को जब पत्नी खेत से लौट आई तो अब किसान ने शर्म से अपना सिर झुका दिया, जिसे देखकर उसकी पत्नी अब समझ गई थी कि उसके पति को सबक मिल गया है। फिर तो उस दिन के बाद से उसे अपनी पत्नी में कोई गलती नहीं दिखाई दिया और फिर किसान और उसकी पत्नी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। कहानी से शिक्षा क्या मिला, आइए विचार करें। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हर किसी को जो दूसरे के कामों में गलतियां निकालता है उसे अक्सर दूसरों के कामों में गलती ही दिखाई देता है, लेकिन ठीक जब उसे इन कामों को खुद से करना पड़े तो फिर उस कामों के अहमियत का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि हर इंसान की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कभी भी हमें उनको छोटा नहीं आंकना चाहिए, सबका अपना अपना महत्व है। तो आपको यह कहानी किसान और उसकी पत्नी की हिंदी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।